बिग बॉस 17 डे 75 की सारी हाइलाइट्स के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। अरुण विकी से बर्तन साफ करने के लिए कहते हैं। विकी कहते हैं कि ये काम तो मुनव्वर या अभिषेक भी कर सकते हैं। अभिषेक इस बात से चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हमें बोलने के बजाय आप अंकिता से बर्तन साफ करने के लिए भी बोल सकते हो। विकी और अभिषेक में आर्ग्यूमेंट चालू हो जाती है और वो आर्ग्यूमेंट बढ़कर बड़ी लड़ाई में बदल जाती है। विकी और अभिषेक की लड़ाई में अंकिता भी शामिल हो जाती हैं और मुनव्वर से अभिषेक को समझाने के लिए कहती हैं। विकी और अभिषेक एक दूसरे को अब्यूज करने लगते हैं और नाराज होकर विकी अभिषेक से इस भाषा का यूज ना करने के लिए कहते हैं और उनसे माफी मांगने के लिए भी कहते हैं। अभिषेक खुद को डिफेंड करने लगते हैं। बिग बॉस घर वालों को एक कोर्ट रूम टास्क देते हैं जिसमें मुनव्वर पर कुछ इल्जाम लगाए जाएंगे। इस टास्क में अंकिता मुनव्वर की लॉयर और विकी ऑपोजिट लॉयर बनेंगे। टास्क शुरू होता है और विकी मुनव्वर पर एलिगेशंस लगाना शुरू करते हैं। अंकिता मुनव्वर को डिफेंड करती हैं। एलिगेशंस में मुनव्वर के घर में कैलकुलेटिव रिश्ते, मनारा के साथ उनकी दोस्ती और आयशा के साथ उनके रिश्ते पर बात होती है। एलिगेशन लगाते हुए विकी मुनव्वर और नाजिला के रिश्ते पर भी सवाल उठाते हैं। टास्क के दौरान आयशा रोने लगती हैं और घर वाले उन्हें संभालते हैं। मुनव्वर टॉन्ट मारते हुए विकी से कहते हैं कि आप बहुत अच्छे लॉयर हो। वो अंकिता से कहते हैं कि टास्क की आड़ में विकी अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। टास्क के एंड में आयशा आकर सभी घर वालों को अपनी और मुनव्वर की पूरी स्टोरी बताती हैं कि किस तरह से मुनव्वर ने उनके और नाजिला के साथ टू टाइमिंग करी और घर वाले सारी स्टोरी सुनकर एकदम शॉक हो जाते हैं। कोर्ट के जजेस ओरा और अरुण लास्ट में वर्डिक्ट देते हुए मुनव्वर को गिल्टी डिक्लेयर कर देते हैं। टास्क के बाद मुनव्वर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो अभिषेक और नील से कहते हैं कि मैं अपने साइड की स्टोरी सबके सामने लाना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मुनव्वर को अपसेट देखकर मनारा उन्हें हग करके कंसोल करती हैं। वो कहती हैं कि तुम स्ट्रांग हो। मनारा ये भी कहती हैं कि मुझे तुमसे लड़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम दिन में 5 मिनट निकालो मेरे लिए और इससे ज़्यादा मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। मुनव्वर आयशा से माफ़ी मांगते हैं और दोनों अपने इश्यूज को डिस्कस करते हैं। मुनव्वर कहते हैं कि अब मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है कि जिससे सभी लोगों का मुंह बंद हो जाए। मुनव्वर ये भी कहते हैं कि सारी बात मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, मैं तुम्हें सिर्फ हिंट ही दे सकता हूँ। आयशा मुनव्वर के साथ हुई अपनी बात रिंकू और अभिषेक को बताते हुए कहती हैं कि शायद मुनव्वर मेरे साथ शादी के बारे में बात कर रहे थे। रिंकू कहती हैं कि ये सब फैसले जल्दबाजी में लेना गलत है, इसके लिए तुम्हें टाइम लेना चाहिए और बाहर जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए। सो गाइस, मुनव्वर पर लगे एलिगेशन से आप कितने सहमत हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें जस्ट शोबिज़ को।